सब्सक्राइब कीजिए शैतान का साला गेमिंग एसकेएस को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताना है जो अभी नया इवेंट है टीम अप फॉर तीन विलेशन वाला, उसे आप किस तरह ओपन कर सकते हैं। तो गाइस अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, जिससे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो गाइस इसे आप किस तरह ओपन कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और क्या इस इवेंट में वो भी आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन वाला ऑप्शन उससे ऑल पर सेव कर दीजिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये कब तक चलेगा, मतलब कब इसे घरेना फिक्स कर देगा और उसके बाद आपको ये इवेंट देखने को मिलेगा। तो आप इसमें स्क्रीन पर देख पा रहे हो डीजे अलॉक, तो गाइस बहुत सारे बंदे समझ रहे हैं कि इसमें आपको फ्री डीजे अलॉक मिलेगा, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक फ्रेम में इसमें आपको बना के दिया है कि डीजे अलॉक का ऐसा फोटो दिया है जो कि आपको नहीं मिलने वाला डीजे अलॉक। तो गाइस इस इवेंट में क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इसमें आपको बाहर जो लेवल 4 का कार्ड देखने को मिल रहा है वो मिलेगा, उसके बाद आपको मशीन गन का क्रेड मिलेगा और पिन एंडर का क्रेड मिलेगा। इसके अलावा गरीना कुछ भी नहीं देगा आपको, और जो इवेंट चलेगा 3 से 11 तारीख तक चला है, और कैसे चलेगा मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जिससे आप इस पे मतलब थोड़ी देर बाद जब ये सर्वर डाउन चल रहा है उसे गरीना फिक्स कर देगा। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि जो कि क्लैश स्क्वाड रैंकड मैच खेल रहे हो उसमें बीच बीच में मैच रुका हुआ होगा, या फिर शायद आप जैसे रूम बना रहे होंगे तो रूम में लोडिंग वाला ऑप्शन आ रहा होगा या फिर रूम फुल बता रहा होगा। तो गाइस अभी क्या है OP23 अपडेट आया है तो उसमें कुछ गरीना के बग हो गए या फिर न्यू गए कि सर्वर डाउन जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बंदे इस फ्री फायर को खेल रहे हैं तो इसलिए ये प्रॉब्लम अभी गरीना को फेस करनी पड़ रही है, और उसकी वजह से हमको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो गाइस शाम तक ये इवेंट चलने लग जाएगा, इसको गरीना शाम तक फिक्स कर देगा या फिर ये इवेंट कल या परसों तक आपको देखने को मिलेगा।